देश की बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन किया, जिनके ऊपर पूरा देश गर्व करता है, आज वो 9 दिन हो गए जंतर मंतर पे धूप में गर्मी को बर्दाश्त कर रही हैं, मच्छरों की मार झेल रही हैं, और कल बारिश में भी वो जंतर मंतर पर डटी रहे। लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको इन खिलाड़ियों पर कभी गर्व हुआ करता था, आज जंतर मंतर पर पड़ी हुई इन बेटियों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए, उस पर उनके पक्ष को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसके उलट एक FIR कराने तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा। खेल मंत्री जी अभी तक उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी मौन साधे हुए हैं, बात इतनी नहीं है। इसके उलट पूरी भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ दुष्प्रचार करने में व्यस्त है। जिस तरह से किसानों के आंदोलन को हर तरह से बदनाम करके उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, आज उसी तरह से इन खिलाड़ियों के, पहलवानों के आंदोलन को, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उनको वहां पर, कल वो बारिश में वहां पड़े रहे, लेकिन उनको वहां पर टेंट लगाने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनको वहां पर माइक सिस्टम लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये जो सब कुछ हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। सभी लोगों की आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से जंतर मंतर पे लोग पहुंच करके इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लगता है कि वहां तो चंद लोग आ रहे हैं और इसलिए उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाएगा, तो ये गलतफहमी में है। किसानों के आंदोलन को भी ऐसे ही उनको लगता था कि हम कुचल देंगे, हम फर्जीवाड़ा कर करके, बदनाम करके, FIR करके, कंटीले तार लगा करके, किले बिछा करके डरा देंगे। अंततोगत्वा किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा था और तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार देश के लोगों को, और खास तौर के चूंकि ये खिलाड़ी, ज्यादातर खिलाड़ी गांव से निकलते हैं, आज पूरे देश के लोगों में और खास तौर से दिल्ली के गांव में रहने वाले लोगों के अंदर, वहां के नौजवान जो खेल की तैयारियां करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं अपने लिए नहीं, देश का नाम रोशन करने के लिए, उनके अंदर रोष बढ़ रहा है। और कल दिल्ली के 360 गांव के प्रतिनिधि, जिसमें इन इलाकों के विधायक, पार्षद, उन गांव के प्रतिनिधि,
जंतर मंतर इन खिलाड़ियों को समर्थन करने के लिए कल 11 बजे पहुंच रहे हैं। अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो कल इन प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके इस आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाने की रणनीति जंतर मंतर पर बनेगी और उसके बाद इस आंदोलन को लेकर के गांव-गांव तक संदेश पहुंचाया जाएगा जिससे कि इंसाफ मिल सके। क्योंकि अगर किसी भी तरह से मुगालते में अगर केंद्र सरकार है कि खिलाड़ियों की मांग को हम ठुकरा देंगे, वो जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे और एक दिन उठ करके जाने को मजबूर हो जाएंगे, तो अब गांव के लोग भी इस बात के लिए कमर कस रहे हैं कि अब सब लोग जंतर मंतर पे ही डेरा डालेंगे। तो कल अभी पहले चरण में गांव के 360 गांव के प्रतिनिधि जो विधायक हैं, पार्षद हैं, जो हां पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, वो सभी कल जंतर मंतर पहुंचेंगे, उनको समर्थन देंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपनी रणनीति को जो है वो कल जंतर मंतर से आगे घोषित करेंगे।